दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो अब आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन जब नया साल आने वाला है तो नए फीचर्स भी व्हाट्सएप में आपको मिलने वाला है। कुछ बहुत ही एक्सपीरियंस, आपको जो आपका एक्सपीरियंस है व्हाट्सएप चलाने का वो बहुत ही मजेदार हो जाएगा। कुछ बहुत ही अच्छे अपडेट आने वाले हैं, तो चलिए उनके बारे में मैं लिस्ट बनाकर ले आया हूँ, उनको स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ कि क्या फीचर्स आ सकते हैं और क्या ये फीचर्स आपको पसंद आते हैं। इनमें से कौन सा फीचर्स आपको पसंद आएगा वो कमेंट करके आप जरूर बताना, ठीक है? तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो अपडेट आया है वो है, अपडेट आया नहीं है, आने वाला है। तो ये अपडेट है कि मतलब आप जो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड यूट्यूब पर भी आजकल आ गया है, यूट्यूब पर आजकल क्या हमें आ ही गया वो तो परमानेंट ही, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम इन पर आपको देखने को मिल जाती है रील्स वगैरह, तो जैसे कि शॉर्ट वीडियो जिन्हें कहते हैं, ऐसा ही आपको व्हाट्सएप पर भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो दूसरा आ जाता है व्हाट्सएप लॉगआउट। अब क्या होता है कि जो आपको यहाँ पर एक मैसेज वो मिलता है, क्या आपको डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, तो आप जब डिलीट अकाउंट पर ऑप्शन आता है उस पर आप जब अकाउंट डिलीट कर दो तो आपका व्हाट्सएप से पूरा डाटा मिट जाता है, चैट डिटेल्स, आपके कॉन्टैक्ट जो भी आपके व्हाट्सएप में होंगे वो सब कुछ हट जाएगा, आपको कोई व्हाट्सएप पर दूसरे कोई देख भी नहीं सकता, आपकी चैटिंग मीटिंग सब गायब। एंड यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे एक ही चलता है, एक मोबाइल में एक व्हाट्सएप बिजनेस आता है, एक व्हाट्सएप नॉर्मल, तो अगर आप लॉग आउट करके दूसरे नंबर से लॉग इन करोगे तो आपका जो लॉग आउट होगा वो डिलीट नहीं होगा, आप जब उस नंबर से वापस से लॉग इन करोगे तो आपको सारा डाटा वैसा के वैसा मिल जाएगा, एक आईडी की तरह ही चलने वाला है, अकाउंट आईडी की तरह चलने वाला है जिसमें आप लॉग इन कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप को ये फीचर्स भी आपको पसंद आता है तो लाइक करना है। दूसरा फीचर जो आने वाला है, जो कि आपने अगर किसी को गलती से मैसेज कर दिया और आप उसे डिलीट करना भूल गए हो और अब आप उसमें डिलीट एवरीवन करना चाहते हो, तो क्या होता है कि उसमें एक टाइम लिमिट रहती है कि आप एक घंटे के बाद उसे, शायद अभी एक घंटा का नॉर्मल रहता है, एक घंटे के बाद उसे डिलीट एवरीवन से नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आने वाला फीचर्स जो है कि आप जो आपका अगर गलती से कोई मैसेज हो गया तो आप उसके लिए कोई लिमिट सेट नहीं रहेगी, आपका जब इच्छा हो तभी आप उसे डिलीट एवरीवन मैसेज कर सकते हो। तो ये फीचर्स भी आने वाला है, अभी आया नहीं है बट आने वाला है। तो एक और आ रहा है अपडेट, तो ये मुझे शायद किसके लिए अच्छा लगता है समझ सकते हो यार किसके लिए, और आपको जिसकी जरूरत होगी वो तो समझ भी चुका है, लास्ट सीन छुपाना। तो लास्ट सीन छुपाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी तीन ऑप्शन मिलते हैं लास्ट सीन छुपाने के, एक तो नोबडी, एक माय कॉन्टेक्ट एंड एक एवरीवन रखता है, तीनों रहते हैं। तो इन तीनों में आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपके स्टेटस जो रहते हैं ना, स्टेटस में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपका स्टेटस कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता है, आप कॉन्टेक्ट में सिलेक्ट भी कर सकते हो इसी तरीके से। तो यही सिस्टम आप लास्ट सीन में होने वाला है, आप कॉन्टेक्ट में से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन आपका स्टेटस जो लास्ट सीन होता है वो देख सकता है और कौन नहीं देख सकता है, वगैरह 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 एंड वगैरह वगैरह बगर जाए बगर 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 नहीं था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिलने वाली है, जोर से मतलब स्क्रीन मत बोलना है, आराम से क्लिक कर देना, नॉर्मल टच काम करती है आजकल तो बहुत ही अच्छे मोबाइल आ रहे हैं, टच की कोई दिक्कत ही नहीं। ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।